हे गाइस, बात करने वाले हैं कसम तेरे प्यार की शो के बारे में। शो की अगर बात करी जाए, ऋषि और तनुजा का नाम ना ऐसा कैसे हो सकता है। ऋषि और तनुजा के लिए ही ये शो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। इस तरीके से शो को यहाँ पर स्टोरी आपको देखने को मिली थी, तो वाकई में टाइटल पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है स्टोरी को। यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एक बार फिर से कसम तेरे प्यार की शो के सीज़न 2 को देखने के लिए, यहाँ पर एक बार फिर से लव स्टोरी को देखने के लिए, इसी तरीके की लव स्टोरी देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर डिमांड जो चल रही है फैंस की, वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका और शरद को लेकर ही चल रही है। पर देखना यह है कि कृतिका शरद सीज़न 2 में वापसी करेंगे, इसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं कि वहाँ पर आपको यही स्टारकास्ट देखने को मिले, क्योंकि आप लोग जानते होंगे एकता कपूर ज़्यादातर चेंज करती रहती हैं स्टारकास्ट सीज़न 2 में। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर आपको नई जोड़ी ही देखने को मिलेगी, या फिर अदर प्रोजेक्ट की कोई पॉपुलर जोड़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन कृतिका और शरद शायद ही वापसी करें शो के ज़रिए। हालांकि उनके पास शो का ऑफर जाता है तो वो ज़रूर नज़र आना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर एकता कपूर यानी कि जो मेकर्स हैं वो प्लानिंग कुछ और ही करने वाले हैं, जहाँ तक है उम्मीद यही करी जा रही है। इनकी दो बेटियाँ दिखाई गई थी सीज़न 1 में, जब कहानी लीप के बाद आगे बढ़ी थी, तो उन दो बेटियों के ऊपर ही कहानी आगे की बेस्ड हो सकती है, इसके हाईली चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो है आपको नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं या फिर जानी मानी एक्ट्रेस भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन शिवाय ऋषि और तनुजा के, यानी कि नए स्टारकास्ट से ही आपका मुलाकात होगी। बाकी के चेहरे हो सकता वही हों जो कि आपको सीज़न 1 में देखने को मिले थे, लेकिन ऋषि और तनुजा की बात करें तो उनके रिप्लेसमेंट के हाईली चांसेस हैं। आपका फिलहाल क्या कहना है इन बातों पर? सीज़न 2 को क्या आप प्यार दे पाएंगे अगर नए चेहरे देखने को मिलते हैं या नहीं? हालांकि सीज़न 1 के जो ऑडियंस रही है, जो फैंस रहे हैं, वो शायद सीज़न 2 से इतने ज़्यादा कनेक्ट ना हो पाएँ। तो देखना ये है कि शरद और कृतिका फ़िलहाल अगर उनके पास ऑफ़र जाता है तो इसके चांसेस हैं कि वो इस शो में नज़र आएँ, क्योंकि फ़िलहाल वो किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसे देखने को नहीं मिल रहे हैं। कृतिका तो फ़िलहाल लंबे टाइम से लीप लिए हुए रखे हैं, तो ऐसे में उनके पास शो का ऑफ़र जाता है तो ज़रूर शाइन करेंगे शो को, क्योंकि वो कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना एक्साइटमेंट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।